किरकिरी के बाद सरकार अब जाग गई है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में सरकार ने यमुना में सफाई अभियान शुरू कर दिया। टीवी 9 भारतवर्ष की मुहिम का असर भी दिखने लगा है। आपको दिखाते हैं कालिंदी कुंज से हमारी संवाददाता श्रद्धा चतुर्वेदी की स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त मैं दिल्ली के कालिंदी कुंज पर मौजूद हूँ और लगातार टीवी 9 भारतवर्ष आपको इसी कालिंदी कुंज से यमुना की वो भयावह तस्वीर दिखा रहा था जिसने सभी को हैरान कर दिया था। हर तरफ अमोनिया की वजह से पैदा हुआ झाग इस यमुना को उस झाग ने ढक दिया था। लेकिन लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर जो प्रशासन है, जिम्मेदार सरकार है, उसकी तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया है। आज 10 नवंबर है और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार की तरफ से अब यहाँ पर झाग और यमुना की साफ सफाई का काम किया जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नाव हैं, कुछ लोग हैं, वो झाग उठा रहे हैं और आगे आप देखेंगे कि ओखला बैराज से कुछ पानी भी छोड़ा गया है, साफ पानी छोड़ा गया है ताकि इस झाग को हटाया जा सके। आप झाग देखेंगे और जो चार दिन पहले आप जो तस्वीर देख रहे थे, लगातार आप तस्वीर देख रहे थे, ये झाग अब आप देखेंगे कि आगे की तरफ बढ़ रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस झाग को जल्द से जल्द हटाया जा सके। आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और लगातार जो व्रतियाँ थी, श्रद्धालु थे, वो इस घाट का रुख कर रहे थे, लेकिन वो इस जहरीले झाग वाले पानी में डुबकी लगाने को मजबूर थे। लगातार सरकार से सवाल किए जा रहे थे और इसी के साथ ही मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। दिल्ली जल बोर्ड के 8 से 10 टैंकर यहाँ पर आए हैं जिसमें साफ पानी है और इस साफ पानी के जरिए, छिड़काव के जरिए ये झाग है, ये टॉक्सिक फॉर्म है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, लगातार जो झाग था वो कुछ इस कदर यहाँ पर छाया हुआ था, इतना ऊपर वो झाग था। लेकिन आप देखेंगे कि अब काफ़ी दूरी तक वो जो झाग है उसको हटाया जा चुका है। नाव बुलाई गई हैं और आप देखेंगे कि नाव के जरिए आगे आपको दिखाना चाहेंगे कि वहाँ पर आप देखेंगे कालिंदी कुंज हाईवे है, उसी के नीचे आप देखेंगे कि लगातार वहीं से ही जो झाग था वो आगे की तरफ बढ़ रहा था और वहाँ पर ही आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो वोट के जरिए इस झाग को हटाने की कोशिश कर रहे हैं।